आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है फरीदाबाद से जहां पर नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाले का मामला। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई है। बता दें आपको फरीदाबाद से बड़ी खबर, विजिलेंस ने 4 और अधिकारियों को गिरफ्तार इस घोटाले के मामले में किया है। हरगुलाल को भी विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। पूजा शर्मा फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई विजिलेंस विभाग ने की है। बिल्कुल, देखिए विजिलेंस विभाग जो है वो बड़ी सक्रियता से इस मामले में काम कर रहा है और हरियाणा फरीदाबाद विजिलेंस विभाग की इसे एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है कि फरीदाबाद नगर निगम में जो 200 करोड़ का महाघोटाला हुआ है उसमें 4 और अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन अधिकारियों में दीपक थापर, विशाल कौशिक, सतीश कुमार और हरगुलाल जो है उनको देर रात पुलिस ने गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है और आज चारों अधिकारियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जो अधिकारी हैं ये अकाउंट और ऑडिट विभाग से संबंधित हैं और लगातार इस मामले में विजिलेंस विभाग जो है रिकॉर्ड मांग रही है, क्योंकि जब इस घोटाले की शिकायत संबंधित पार्षदों ने की थी उसके बाद भी उक्त ठेकेदार को जो है भुगतान कर दिया गया हो, तो ऐसे में विजिलेंस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर जब जांच लंबित थी और शिकायत दी गई थी तो ठेकेदार को पेमेंट किसके कहने पर और किस तरह से की है। हालांकि क्योंकि जो नगर निगम के संबंधित विभागों से जब इस मामले में रिकॉर्ड मांगा गया तो नगर निगम के पास इस संबंध में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो ऐसे में उक्त चारों अधिकारी संदेह के घेरे में है और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभवतः पुलिस रिमांड मांगे और उसके बाद आगे की पत्ते इस मामले में और खुलने के आसार हैं। पूजा, अभी 4 ही अधिकारियों को यहाँ हिरासत में लिया गया है लेकिन जांच का दायरा इस पूरे घोटाले के मामले में और भी बढ़ सकता है, यानी कि और भी इस घोटाले की कई जो मछलियां हैं वो अभी शिकंजे में आ सकती है विजिलेंस के। देखिए बिल्कुल, विजिलेंस जिस प्रकार से कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है और हरियाणा सरकार से परमिशन मांगी गई थी, जो 2 IAS अधिकारियों के नाम सामने आ रहे थे उनसे पूछताछ की, और हरियाणा सरकार ने न केवल उक्त 2 अधिकारी बल्कि जो अन्य अधिकारी थे उनसे भी पूछताछ के लिए स्वीकृति विजिलेंस को दे दी। तो ऐसे में तमाम जो है ऐसे चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो उनका रसूख काम नहीं आ रहा है और इस पूरे मामले की 200 करोड़ का महाघोटाला जो 1000 करोड़ तक, जैसे कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा बार बार इस बात को कहते हैं कि ये केवल 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, परतें खुलती जा रही हैं और एक एक कड़ी को जोड़ते हुए विजिलेंस जो है इस पूरी जांच में आगे बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाले का मामला और इसमें 4 और अधिकारी जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई है और विजिलेंस ने 4 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरगुलाल को भी विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस घोटाले मामले में। फिलहाल अब और जांच का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। कईयों की गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, कईयों से पूछताछ